अंकगणितीय औसत की गणना। आइए इसे कुछ और उदाहरणों से समझते हैं। नीचे तालिका में 5 वर्षों के दाल उत्पादन संबंधी आंकड़े दिए गए हैं। इन आंकड़ों का समांतर माध्य या औसत ज्ञात करना है। इसे पता करने के लिए सभी प्रेक्षणों को जोड़कर उसे वर्षों की कुल संख्या से भाग देना होगा, यानी समांतर माध्य बराबर 14.8 × 14.6 × 14.7 × 18.2 × 17.2 ÷ 5 लाख टन बराबर 79.5 × 5 = 15.9 लाख टन। दाल का औसत उत्पादन 15.9 लाख टन है। तालिका में प्रदर्शित प्रत्येक वर्ष का उत्पादन औसत से अलग है, परंतु औसत के प्रयोग से हम पिछले 5 साल के उत्पादन को किसी एक ही मान द्वारा दर्शा सकते हैं। आइए औसत का एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 2, धमतरी जिले में हुई वर्षा मिलीमीटर के आंकड़े इस प्रकार है। इन आंकड़ों का औसत ज्ञात कीजिए। 880.5, 1474.9, 806.3, 1554.9, 1019.2, 1046.5 और 1017.2। हल। हम जानते हैं कि माध्य बराबर प्रेक्षणों का जोड़ बटे प्रेक्षणों की संख्या। इस प्रकार औसत बराबर 880.5 × 1084.9 × 1046.5 × 1017.2 बटा प्रेक्षणों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बराबर इनका योग जो है अंश में जो 7 संख्या है उनका योग जो है 7799.5/7 बराबर 1114.21 मिलीमीटर। अतः वर्षा का अंकगणितीय औसत एक हजार एक सौ 14.21 मिलीमीटर है। इस तरह से हमने उदाहरण 2 में माध्य 1114
0.21 मिलीमीटर ज्ञात किया। यह इस उदाहरण का हल होगा।